स्वागत दोस्तों आप सबका एक और नई जानदार शानदार वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कि हमें सब्सक्राइब मींस सब फॉर सब करना चाहिए कि नहीं, और क्या ये हमारे चैनल के लिए अच्छा है, क्या ये हमारे चैनल की ग्रोथ करेगा कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब सब फॉर सब होता क्या है। देखिए, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और एक दूसरा यूट्यूबर मेरे पास आके कहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, उनको भी एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा और मेरे को भी एक सब्सक्राइबर मिल जाएगा। अब आप एक बात बताइए, मुझे नहीं लगता कि ये सही है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। आपको एक बार के लिए सब्सक्राइबर तो मिल जाएगा, पर जो आपके चैनल के ऊपर व्यूज आने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपने उनको सब्सक्राइब कर दिया और उन्होंने आपको सब्सक्राइब कर दिया, दोनों के नोटिफिकेशन गए वीडियो के, क्या वो बंदा सच में आपकी वीडियो देखेगा? मुझे तो नहीं लगता देखेगा। वो सबसे पहले क्या सोचेगा कि ये बंदा मेरी वीडियो देख रहा है कि नहीं, तो ही तो मैं इसकी वीडियो देखूँ, नहीं तो मेरा भी कोई फायदा नहीं इसकी वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, पर आपको जो एक कांस्टेंट व्यूज मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे आपके चैनल के ऊपर। और सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, मेन मैटर करता है व्यूज, मेन मैटर करता है आपकी जो अर्निंग है वो मैटर करती है आपके व्यूज के ऊपर, कि आपके वीडियो के ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर, सब्सक्राइबर से भी ज्यादा। बहुत सारे ऐसे चैनल है जिनके पास 5 मिलियन 6 मिलियन सब्सक्राइबर है और उनके पास व्यूज सिर्फ हजारों या लाखों में ही आते हैं, मिलियंस में व्यूज नहीं आते उनके पास। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर, और कुछ यूट्यूबर ऐसे भी है कि जिनके 2 से 3 मिलियन सब्सक्राइबर है पर उनके व्यूज हमेशा 5 या 6 मिलियन के ऊपर ही जाते हैं। ये इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप इस सब और सबके पीछे मत भागिए, भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, मैं भी तेरा कर देता। फेसबुक के पेजेस ग्रुप के ऊपर ये दिन भर चालू रहता है, दिन भर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा करता हूँ, मुझे 100 सब्सक्राइबर दो, मैं तुम्हें 100 सब्सक्राइबर दो। तो फायदा क्या है भाई? अब मैंने 100 सब्सक्राइबर 100 लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अब मैं किस किस की वीडियो देखूंगा? सब्सक्राइब तो कर दिया मैंने उनके चैनल, पर क्या मेरे वीडियो के ऊपर व्यूज आ रहे हैं? कुछ भी व्यूज नहीं आ रहे, ना उनके वीडियो के ऊपर आएंगे ना मेरे वीडियो के ऊपर आएंगे। तो ये सब और सबके झंझट में फंसिए मत एकदम, मतलब ये टाइम वेस्ट है आपके लिए कि दूसरों को अप्रोच करना। कि अगर सामने वाले बंदे को आपका चैनल अच्छा लगे तो लगेगा तो वो सब्सक्राइब करेगा ही करेगा। और अभी जो यूट्यूब की एक नई पॉलिसी है, अगर बंदा आपकी 70-80% वीडियो देख भी लेता है और अगर वो चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करता है तो उसके जो फीड है उसके फीड के ऊपर आपकी न्यू अपलोडेड व्यूज जाती ही जाती है। ये यूट्यूब की जो नई यूट्यूब का जो अल्गोरिदम है वो ऐसा ही है। अगर मैं किसी नए यूट्यूबर की वीडियो देखता हूँ, पूरी लगभग 80-90% उसकी वीडियो देख ली, चलिए 70% भी वीडियो देख ली, तो वो जब नई वीडियो अपलोड करता है तो मेरे फीड में आ ही जाती है उसके वीडियो। इसलिए आपके सजेशन में जो आप जिन लोगों की आप वीडियो देखते हो उनकी वीडियो अपने आप सजेशन में आने लग जाती है, अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो भी। तो मेरा था ये पॉइंट ऑफ व्यू कि सब फॉर सब करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको मेरा ये पॉइंट पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलता हूँ, मिलेंगे कल एक और नई सी जानदार शानदार वीडियो में।